फ्रेंड्स क्या आप भी जॉब के लिए परेशान हैं और आपने एम या फिर बी एस कंप्लीट कर रखा या फिर सोशल वर्क के किसी भी एजुकेशनल डिग्री आपने हाल, हासिल कर ली है और यू आर लुकिंग फॉर जॉब नाउ देन दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर अप्रोच नाउ इज वेरी अप्रोप्रियट फॉर इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज द चैनल वेयर आई विल ब्रिंग ऑल द जॉब वैकेंसी फॉर द सोशल वर्कर सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी विच इज़ अंडर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यहाँ पे वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर उस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में सो so बिना किसी देर के चलिए एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और जानते हैं हर कुछ इससे जुड़ा हुआ जो भी है वैकेंसी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कुछ नया चेंज करना या फिर कोई भी तरह का सजेशन हो क्रिटिक्स हो या फिर कोई भी तरह का एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे लाइव सेशन से भी जुड़ सकते हैं जो कि मैं संडे को एक बजे लाइव आती हूँ तो उससे भी आप जुड़ के अपने सवाल या डाउट या कुछ भी तरह का आप सजेशन देना चाहें या फिर आपके पास कोई नॉलेज है जो आप लोगों से साथ शेयर करना चाहें कोई मैसेज हो तो उसके लिए भी आप उससे जुड़ सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं आज के वैकेंसी के बारे में तो आज की जो वैकेंसी है वो आया है पोस्ट के लिए सोशल वर्कर पोस्ट के लिए और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं पोस्ट है सोशल वर्कर की और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो कि टेन प्लस टू प्लस थ्री पैटर्न में आपका होना चाहिए सोशलॉजी से हो सकता है या फिर सोशल वर्क से या साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या क्रिमिनोलॉजी या एजुकेशन तो इस इस पांचों में से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि आप अगर बैचलर डिग्री की है या फिर आपने एम कर रखा है या एम एस कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ ही आपके पास होना चाहिए अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यू मस्ट हैव हैड पेटकल एक्सपीरियंस इन चाइल्ड वेलफेयर सोशल वेलफेयर और लेबर वेलफेयर फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन टू ईयर्स यानी कि आपके पास कम से कम दो साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एरिया में लाइक चाइल्ड वेलफेयर हो सकता है सोशल वेलफेयर हो सकता है या लेबर वेलफेयर अगर इस तरह से आपने अगर काम किया है कम से कम आपका दो साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आपने एम एस डब्ल्यू कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ ही आपका फीमेल कैंडिडेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैक्सिमम जो एक एज लिमिट दी गई है वो फोर्टी इयर्स है तो इस पोस्ट के लिए जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स है दे कैन ऑल्सो अप्लाई बट उनका जो एज लिमिट है वो सिक्सटी टू ईय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन है वो ट्वेंटी ऑफ अगस्त ट्वेंटी है अप टू फाइव फोर्टी यानी कि आपको 20 अगस्त 2022 से पहले इसको अप्लाई कर देना है शाम के पाँच बज के मिनट से पहले यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस दिया गया है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस कलेक्ट्रेट कैंपस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साउथ दिल्ली और यहाँ पे फ़ोन नंबर और पिन कोड सब कुछ दिया गया है तो आप इस पर जाके भेजना है आपको जो डिटेल है साथ ही इसी एडवर्टाइजमेंट में आपको जो इंटरव्यू जो होगा उसके लिए एक परफॉर्मा दिया गया है या बोल ले रिक्रूटमेंट के लिए जो एक अप्लीकेशन परफॉर्मा है वो आपको दिया गया है इसी एडवर्टीजमेंट में आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम डेट ऑफ बर्थ नेम ऑफ द पोस्ट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू कास्ट एंड कम्युनिटी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन फ़ोन नंबर ईमेल आईडी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द आपको टेंथ ट्वेल्थ अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब डालना है अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन लाइक अगर आपने कोई एम फिल किया हो या पी किया हो तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में साथ में उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की डिटेल देने हैं कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में कब से कब तक काम किया है टोटल कितना एक्सपीरियंस है ईयर मंथ एंड डेज़ में ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपको आपके एक्सपीरियंस को या एजुकेशनल जो टेस्टी मेनुअल्स हैं उन सब के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका एक जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ इनक्लोज करना है और अंत में आपको अप्लीकेट का सिग्नेचर यहाँ पर डालना है यानी कि करनी है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डिफेंस जो कि आई के अंतर आता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रामनांड इन रनिंग अंडर द हेडेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक कलेक्ट्रेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिलो वैकेंसी आर टू बी फिल्ड ऑन वन ईयर कॉन्ट्रेक्ट बेसिस तो ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक कलेक्टर के कहने पर इस रिक्यूटमेंट का मतलब इसको रिक्रूटमेंट की जा रही है और यहाँ पर एक साल के लिए कॉन्टैक्ट बेसिस पे फीमेल सोशल वर्कर का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी सो so ये वैकेंसी थी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस के लिए और यहाँ पे रामान्थपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए ये वैकेंसी आई है और जिसका पिन कोड है सिक्स टू थ्री फाइव जीरो फोर तो अभी के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेटेड अपडेटेड न्यूज़ के लिए या फिर वैकेंसी के लिए या फिर किसी भी तरह के सोशल वर्क्स के जो अपडेटेड जो क्या कुछ हो रहा है उसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए स्टे ट्यून्ड और कोई भी तरह का सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं हर एक कॉमेंट पढ़ती हूँ और उस पर काम भी करती हूँ सो थैंक यू फॉर दिस आवर स्टे ट्यून